जय हिंद, जय भारत। मैं रामकुमार, आपका अपने परिवार एकलव रामकुमार में आप सब भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं बालाजी प्रकाशन मैथ से 17.2 एक्सरसाइज के सवाल, और इन सवालों को अपन इतनी आसानी से सीखेंगे, इतनी आसानी सीखेंगे, खेल खेल में सीख जाएंगे और आपको मजा ही बहुत आएगा। ठीक बच्चों, लेकिन आज सवालों को आपको बड़े ध्यान समझना है, क्योंकि आज दशहरा है, जिसकी वजह से क्या है के बेचारे जो 9 दिन से पूजा कर रहे हैं ना, तो आज वो पूरी गुस्सा में रहेंगे। तो बहुत तेज तेज डीजे बजा रहे हैं, उनसे कहा भैया थोड़ा सा धीमा बजा लो। कह नहीं, हम नहीं मानेंगे तुमने, ठीक भाई तुम अपना काम करो और हम अपना काम करते हैं। तो इसलिए आप लोग समझने पर प्रयास करना, क्योंकि गानों की भी आवाज़ आपके आपके कानों तक आ सकती है। ठीक है, तो गानों की आवाज़ों को मत सुना, ठीक है, थोड़ी देर के लिए वीडियो को अच्छे समझ लें सवालों को, फिर उसके बाद गाना खूब सुनते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो पहला आपका सवाल आपके सामने है, दिए गए संलग्न चित्र में, ठीक है, चित्र दिया मैं, समांतर चतुर्भुज ABCD, समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है बच्चा, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो जी अपन को एक समांतर चतुर्भुज दे रहा है और कह रहा है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्या कर रहा, क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो हमने सबसे पहले इस चित्र को देखा, हमने देखा भाई साहब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल अपन को क्या करना है, ज्ञात करना है। क्या करना, जो ये वाली रंगी है ना, इसको बराबर भागों में बांट रही है, इधर भी आधा और इधर भी आधा है, ठीक है, और समांतर भी। तो देखो इसको करने का बहुत अच्छा तरीका है, सबसे पहले अपन इस त्रिभुज का जितना एरिया दे रहा, देखो चिपोर से देखना जितना दिख रहा, पहले इसका इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते, ठीक है, इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो अपन सबसे पहले त्रिभुज अपन जी निकाल जी विषमबाहु त्रिभुज, इसको अपन त्रिभुज निकालना सीख चुके हैं, नहीं सीखे क्षेत्र आपने कहा। हाँ, सबसे पहले अपन क्या निकालते हैं, इसका अर्थ परिमाप। क्या लिखे अपन, लिखेंगे त्रिभुज ABC का अर्थ परिमाप। क्या निकाल लेंगे, अर्थ परिमाप। तो अर्थ परिमाप इसका क्या होता है, आप सब जानते हो कि a+k b+k c/2। तो a का मान है 8, b का मान है कितना 7, c का मान कितना 4, 5/2। तो मैंने कहा ठीक है, इन सबको जोड़ेंगे साथ में 20 20/2, 2 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 10। तो नहीं, अर्थ परिमाप कहने का मतलब है कि s बराबर मान कितना आ गया अपने पास 10। s बराबर अपन ने मान कितना निकाल लिया 10। जब अपन ने s बराबर अच्छा 10 निकाल लिया, तो अपन क्षेत्र भी निकाल लेंगे इसका। मैंने कहा निकाल लो क्षेत्रफल, तो लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर अंडर रूट के एस कोष्ट में एस माइनस के ए, एस माइनस के बी और एस माइनस के सी। तो जिस त्रिभुज क्षेत्र, तो एस का मान कितना आपका हो गया 10 है, क्या है बच्चा 10 है, 10 में से कितनी घटाने ए का मान, तो आपका हो गया ए का मान कितना है, मान लो 8 मान लिया, एक का ये मान कितना 8 गुणा 10 माइनस बी का मान कितना, तो आपका हो गया 7। मैं कहूँगा सी का मान कितना, तो आपका हो गया 10 माइनस के 5, ठीक है। तो कुछ नहीं, ए बी सी जो थे, तो ए बी सी घटा दिया अपन ने, ठीक है। अपन अब क्या लिखेंगे, ये 10 बचे गुणा 10 में से 8 का बच्चा कितने बचेंगे, आपको ये 2 बचेंगे। शिल्पा तो खुश हो रही, 10 में 7 जाए कितने बचेंगे, 3 बचेंगे, 10 में 5 जाए कितने बचेंगे, 5। अब मैं आपसे कह रहा कि इसको तोड़ लो, इसको अपन तोड़ेंगे कैसे, 2 5 10, 2 × 3 × 5 लिख लिए। तो आपने भैया 2 2 मिल गया, तो मैंने कितने बाहर आ जाएंगे, तो आप अगर 5 ही मिल लेंगे ना, 5 ही बाहर आ जाएंगे। आपने भैया जे रूट 3 नहीं मिल रहा है, तो मैंने कहा रूट में लिख देंगे, तो इसे कहते लिख देंगे 10√3। तो मान कितना आ गया अपना, 10√3। तो अपन पता चले गए इस वाले त्रिभुज का जो कितना आ गया, 10√3। और अपन को पता है जे वाला बिल्कुल त्रिभुज क्या सेम टू सेम है, तो अपन क्या लिख देंगे इसको, क्या कर देंगे, तो इसका सूत्र लिख सकते हैं, समान से लिख दो बच्चा, इधर से अपन लिख दो इसको, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा अपना, 2 × त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, किसका, ABC का क्षेत्रफल, 2 × त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अगर तुम ABC का दुगना कर दोगे तो तुम्हारा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो तुम्हारा 2 लिखोगे और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना, तो तुमको निकला 10√3, कितना निकला बच्चा 10√3। तो गुणा करो 10 × 2 = 20, तो 20√3, यही आपका बच्चा परम सत्य आंसर है, यही आपका क्या है, परम सत्य आंसर है, तो 20√3। तो बस कुछ नहीं करना, पहला स्टेप आपने अर्थ परिमाप निकाला, फिर इसका क्षेत्रफल निकालना है, फिर उसका दुगना कर दोगे, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक बच्चा, आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले। अब आपके सामने बच्चा प्रश्न नंबर दूसरा, देखो ये क्या कह रहा, कह रहा एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज, हमने कहा ठीक है, कह रहा एक वर्ग है और एक समबाहु त्रिभुज है, हमने कोई दिक्कत के परिमाप बराबर, हमने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। कह रहा यदि वर्ग वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण 12√2 cm है, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अपन को इतना पता चल गया त्रिभुज कैसा, आपने कहा हुई समबाहु, समबाहु का मतलब होता है जिसकी तीनों भुजाएं कैसी होती है, समान, और वर्ग जिसकी चारों भुजाएं एक सी होती है परिमाप में। तो अपन क्या लिखेंगे इधर, पहली कंडीशन अपन को क्या की थी कि वर्ग का परिमाप,
वर्ग का परिमाप क्या मान लेंगे? 4a। त्रिभुज, त्रिभुज का परिमाप, अच्छा त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? तो आप इसको 3x मान लेंगे, ठीक है, ठीक है 3x मान लेंगे, ठीक है। अब क्या होती बात, अपन वर्ग का परिमाप इसको मान लिया, तो अपन को पता चलेगा कि 4a बराबर क्या है? 3x है। 4a बराबर क्या बच्चा? 3x है, ठीक है। और जरूरत अपन को आएगी तो त्रिभुज की बात कर रहा, तो अपन त्रिभुज का निकालेंगे, ठीक है। तो अब क्या करना है अपन को, तो दे रहा है, एक दे रहा है कि वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण, तो अपन हल करेंगे वर्ग का विकर्ण। तो वर्ग का विकर्ण बच्चा, वर्ग का विकर्ण बराबर होता है, वर्ग का विकर्ण बराबर कहता है आपको बाहर रूट के 2 कहता नहीं बच्चा, बाहर रूट के 2। और वर्ग का विकर्ण क्या होता है? ए रूट के 2 बराबर, बाहर रूट के 2 दिया ही है। अब देखना, चलो रूट से तो रूट तो कट ही गया, तो ए बराबर कितना मान आ गया? 12। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है, एक समीकरण मान लेते हैं। अब क्या है, ए का मान, ए का मान समीकरण, समीकरण 1 में रखने पर, कहाँ में रखने पर? समीकरण 1 में रखने पर। तो जैसे बच्चा अपन समीकरण 1 में ए का मान रखेंगे, तो 4 गुणा ए का मान कितना है आपका? वही 12 बराबर 3x, 3 से काटेंगे, 3 चौको 12, तो 4 और 4 गुणा हो गए 4 चौको 16, तो x बराबर कितनी आ गई? 16। x बराबर कितना आ गया बच्चा? 16 आ गया। x बराबर अपन ने मान लिया 4 चौको 16, तो x बराबर कितना निकाली बच्चा अपन ने? 16 निकाली। x बराबर कितना निकाल लिया? 16, ठीक है। अब तो अपन भुजा आ गई, त्रिभुज की भुजा आ गई कितनी? 16, कितनी? 16 सेंटीमीटर जो भी दी हो, ठीक है, सेंटीमीटर में दी, तो क्या आ गई? भुजा आ गई। अब क्या इसका क्षेत्रफल क्या होता? तो आप सब जानते हो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, आप सब जानते हो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? बराबर रूट 3/4 और भुजा स्क्वायर, क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो रूट 3 तो ज्यों के त्यों रहेंगे, 4 भी ज्यों के त्यों, भुजा कितनी आपको? 16 दी, तो हमने कहा 16 कितनी बार लिख दो? तुम 2 बार लिख दो, तो 4 चौको 16, 16 चौको 64, तो 64 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपके सामने बच्चा प्रश्न नंबर 3, इसमें क्या है? इसमें अपन को चित्र नहीं दिया गया है, अपन को स्वयं ही चित्र बनाना है और सवाल को हल करना है। जैसे कि आपसे कह रहा है कि एक चतुर्भुज, हमने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हमारे अंगल भी एक चतुर्भुज है, कह रहा है एक चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, हमने कहा ठीक कर लेंगे। कह रहा है AB बराबर 7 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है DA बराबर 15 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है AC बराबर 9 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है BC बराबर 6 सेंटीमीटर है, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है CD बराबर 12 सेंटीमीटर है, हमने कहा ठीक है हम ज्ञात कर लेंगे। क्या कर लेंगे हम बहुत अच्छे से, क्या कर लेंगे बच्चा? ज्ञात कर लेंगे। सबसे पहले अपन को एक चित्र बनाना पड़ेगा, क्या बनाना पड़ेगा बच्चा? चित्र बनाना पड़ेगा, क्या बच्चा बताना पड़ेगा बच्चा? चित्र। तो अपन क्या कहते हो, ये भुजा खींचेंगे अपन, तो जे ए हो गई और जे डी हो गई, जिसको अपन 15 सेंटीमीटर नाम देते हैं, ठीक है। फिर कह रहा ए, अब देखो ए से क्या खींचनी, ए से बी, तो ए से बी खींच दो, कितनी? 7 सेंटीमीटर, ले बी बन गई अपनी, ठीक है बच्चा। अब कह रहा बी से सी, अब बी से 6 सेंटीमीटर कितनी जाएगी? इससे आधी जाएगी, नहीं तो जी 6 सेंटीमीटर होगी, बी से सी, ये सी आ गई। अब कह रहा सी से डी, यानी सी से डी, सी से डी कितनी होगी? 12 सेंटीमीटर होगी, कितनी होगी? 12 सेंटीमीटर होगी। डी से ए हो गई, ए से बी हो गई, अब क्या रहेगा बेटे? अब देखो बच्ची ए सी, तो ए से लेकर सी, तो ए से सी तक कितनी है? तो आपका होगी 9 सेंटीमीटर, कितनी है? 9 सेंटीमीटर। लीजिए अब आपको सब पता चल गई, ए बी सी डी और सबकी भुजाओं को पता चल गया बच्चा। अब अपन को क्या करना है, जी अपन ने चित्र बना लिया, सबसे पहले मैंने ए से डी तक खींची, मुझे पता था, फिर मैंने ए से बी खींची, फिर ए से सी खींची, सी से डी खींच दी जो बांध दी, तो और ए से सी खींच दी जो वो कह रहा। सिर्फ मुझे रेखागणित का मतलब बच्चा यही है कि जो सवाल में कहता है, जितनी आपको जानकारी है बस आप उसको रखते जाओ, बस इधर रेखागणित में इधर चित्र बन गया, फिर सवाल तो बहुत आसान होता है करना, सवाल में थोड़ी कुछ करना पड़ता है, मेन तो होता है इसका डायग्राम कैसा बना पाता, ठीक है। अपन ने चित्र बना लिया, अब अपन से वो कह रहा कि एक चतुर्भुज ABCD क्षेत्रफल ज्ञात करना, तो पहले अपन इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं? इसका त्रिभुज क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं, फिर इसका ज्ञात कर लेंगे, ठीक है, क्या कर लेंगे? इसका ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो अपन इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या लगाएंगे सूत्र? इसका त्रिभुज क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे अपन? अपन इसमें लगाएंगे बच्चा पहले ABC लगाएंगे, ABC क्या है? तो ये बराबर लिख लो, ये बराबर 7, बी बराबर 6 और सी बराबर 9, ABC की भुजाएं मान ली अपन ने, ठीक है, माना, ठीक है बच्चा, मान लिया अपन ने। तो अर्ध परिमाप निकालेंगे, पहले क्या निकालेंगे? अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप निकालने के लिए अपन क्या सूत्र यूज करेंगे? a+b+c/2। तो a का मान कितना है? तो आपको 7+6+9/2, दोनों 6 15, 15 और 7 कितने होते हैं? 22, 9 और 6 15, 15 7 22/2 से काटे कितना आ गया? 11।
कितना आ गया इसका अर्थ परिमेय बच्चा 11 आ गया। कितना आ गया है 11, कितना आ गया 11 आ गया। अपन अब क्षेत्रफल निकालेंगे, क्षेत्रफल कैसे लिखेंगे, त्रिभुज किसका, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC, तो लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, अंडर रूट के कोष्ठ में एस, कोष्ठ में एस माइनस के ए, एस माइनस के बी और एस माइनस के सी। तो मैं कहूँगा आपसे एस का मान कितना निकला, आपको 11 गुणा एस का मान 11 माइनस ए का मान कितना, तो आपको 7 गुणा एस का मान तो 11 ही रहेगा बच्चा, बी का मान कितना, तो आपको ये बी का मान माइनस के 6 गुणा हमका एस का मान आपको 11, मैं सी का मान कितना आपको ये 9 है, क्या है 9 है, एस का मान कितना है। अब इसको सही से लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इधर बचेंगे 11 गुणा घटे तो 7 में 4 गए 4 बचे, इधर घटेंगे कितने बचेंगे आप सबको ये 5 बचेंगे, इधर घटेंगे कितने बचेंगे आपको ये 2 बचेंगे, कितने बचेंगे 2 बचेंगे, कितने बचेंगे बच्चा। क्या करेंगे अपन इसको पता है अपन इसमें से कितने 4 से कितना 2 बाहर आ जाएगा, इन सबका गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 11 5 55 55 2 110, कितना हो जाएगा 55 2 110, ठीक है। मैं इसको हल कर रहा साइड में 55 2 110 हो गया तो 2। अब अंडर रूट 110, अंडर रूट 110 का मान होता है अपना 10.49। अब इसका अंदर गुणा कराएंगे तो 2 9 18 2 4 8 और 1 9 और 10 2 20, तो अपना कितना आ गया क्षेत्र, इसका क्षेत्र कितना आया त्रिभुज का सेंटीमीटर स्क्वायर कितना आ गया बच्चा, तो आपको भैया सही इसका आ गया 20.98 सेंटीमीटर, किसका त्रिभुज ए बी सी का, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्र। अपन को क्या निकालना है अब, त्रिभुज ए सी डी का परिमाप, तो अपन निकालेंगे त्रिभुज ए सी डी का अर्ध परिमाप, का अर्ध परिमाप क्या निकालेंगे बच्चा, अर्ध परिमाप निकालेंगे। शिल्पा तो कह रही भैया हमें तो कुछ समझे ही नहीं, हमने कहा तुम समझो आएगा सब, ए प्लस के बी प्लस के सी बटे 2। तो ए का मान कितना है इसमें, ए का मान मान लो जे ए बी सी, तो क्या लिखेंगे इसमें 9, क्या लिखेंगे बच्चा 9 प्लस के 15 प्लस के 12। अब चित्र बच्चा इस साइड बनाएंगे, क्या बनाएंगे बच्चा इस साइड बनाएंगे, ठीक है, जिससे दिक्कत नहीं होगी। तो ए का मान 9 लिख दिया, बी का मान 15 लिख दिया, सी का मान कितना लिख दिया 12 बटे 2। तो मैंने सबको जोड़ा तो अब 15 और 9 कितने होंगे, तो आपको 24 और 12 कितने होंगे, आपको 36 कितने होंगे, 36, तो 36 बटे कितने होंगे, 2 से काटने कितना आ जाएगा 18, कितना आ गया 18। एस का जो मान निकला वो कितना निकला बच्चा 18 निकल गया, कितना निकला बच्चा 18। तो अब क्या निकालेंगे अपन, त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्र, तो क्या होता है अंडर रूट के एस पोस्ट में एस माइनस के ए, एस माइनस के बी और एस माइनस के सी। तो अपन को क्या रखना, एस का मान कितना दिया आपको भैया 18 गुणा, क्या लिखेंगे 18 माइनस के ए, ए का मान कितना है 9 गुणा 18 माइनस बी का मान कितना, तो आपको बी का मान 15, फिर लिखोगे 18 माइनस सी का मान कितना, तो आपको ये 12, ठीक है। अब क्या करना है आपको, अब अपन को लिखना है 18, कितने 18 गुणा 18 से 9 जाएंगे, कितने बचेंगे बच्चा 9 बचेंगे आपको, मैं 18 15 कितने आएंगे आपको 3 बचेंगे, मैंने कहा 18 में से 12 आ जाएंगे कितने बचेंगे 6 बचेंगे। अब इनको गुणनखंड करके लिख लो सही से, तो आप गुणनखंड करके इसको सही से लिखो, इसको क्या लिखोगे भैया 9 2 18 गुणा 9, इसको 3, इसको क्या लिख देंगे 3 2 6, जिससे कि देखो 9 9 बाहर आ गया, 2 देखो 2 बाहर आ गया, ठीक है, देखो 3 3 बाहर आ गया, तो देखो 3 2 6 और 6 नाम 54 कितने हो गए, 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसका क्षेत्र कितना आ गया बच्चा 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। और पहले वाले त्रिभुज का कितना आया था अपन 20.9, इन दोनों को जोड़ देना है, इसका क्षेत्रफल आ गया, इसका दोनों को क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो किसका होगा, चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज, चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल। तो अपन जोड़ेंगे ए बी सी का कितना अपना 20.98 प्लस ए सी डी का कितना है 54, दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा अपना 74.98 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चा आपके सामने है प्रश्न नंबर 14, जो कि बिल्कुल तीसरे का जुड़वा भैया है, तीसरे का क्या बच्चा, जुड़ भैया बिल्कुल सेम टू सेम, कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल उसी की तरह इसको करना है, लेकिन बस अपन अब क्या करेंगे बच्चा, इस साइड चित्र बनेंगे, इस साइड चित्र बनाता हूँ तो आपको दिक्कत होती है, मैं चित्र के साइड बनाऊँ इस साइड, ठीक है। तो अपन इस अच्छे चित्र को समझने का प्रयास करें, देखो बनाना उसी तरह, देखो सवाल वही सेम टू सेम, मतलब कुछ भी याद नहीं है, तो आपको पता लगे जिसमें ए बी, तो अपन ए बी भैया लेते हैं, ए बी कितनी है 5 सेंटीमीटर, आपने कहा ठीक है ए बी 5 सेंटीमीटर ले, अब कह रहा बी सी, ए और बी, अब बी सी, तो बी सी कितनी जा रही, थोड़ी ज्यादा जा रही, जैसे 12 सेंटीमीटर वाली, बी सी को क्या मान लिया 12 सेंटीमीटर। फिर कह रहा सी डी 10 सेंटीमीटर, अब सी से लेगा डी, सी डी, अब सी डी 10 सेंटीमीटर, तो फिर डी ए की निकाल ले, डी ए 13, तो इससे थोड़ी सी बड़ी होगी, इससे क्या होगी 12 से थोड़ी बड़ी होगी 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर थोड़ी बड़ी होगी कि नहीं होगी, क्योंकि जो 12 है तो जो 13 थोड़ी बड़ी,
अब सी डी की निकली अपनी, काय की निकली सी डी की, अब सी से लेकर जो सी आई अपनी, अब सी से डी तक जाना अपन, वो सी से डी तक, तो ऐसे जाएंगे सी से डी तक, तो सी से डी तक कितनी होगी 10 सेंटीमीटर, कितनी होगी बच्चा 10 सेंटीमीटर, सी से डी तक कितनी होगी 10 सेंटीमीटर होगी, ठीक है, सी से डी तक, अब कह रहा डी से 13 सेंटीमीटर, कह रहा ए से सी, अब ए से सी यानी ए से सी कितनी है 13 सेंटीमीटर, ए से सी कितनी है अच्छा 13 सेंटीमीटर, जो कुछ भी नहीं करना, पहले मैंने देखो ए बी खींची 5 सेंटीमीटर जो हमें दे रहा, फिर कह दो बी सी बराबर दे आपको दे रहा 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर, फिर कह रहा ए से डी, अब सी से डी अपने डाट नहीं खींचा, पहले ए से डी तक की निकाल, अपने ए से डी तक की कितनी निकली, तो आपने कहा देखो 13 सेंटीमीटर दी सी ए से डी तक की, कहाँ था ए से डी तक की, ए से देखो डी ए चाहे ए डी बात ही की, तो कह रहा 13 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर लिख दी, फिर कह रहा ए, अब कह रहा सी डी, तो सी से डी 10 सेंटीमीटर लिख दी, फिर कह रहा ए सी से कितनी 13 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर लिख दी, बस सवाल वही सेम टू सेम, पहले त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालें, फिर त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल निकालें, दोनों को जोड़ेंगे सवाल का आंसर आएगा, ठीक है, तो पहले मैं लिख देता था त्रिभुज ए बी सी को, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में ए बराबर कितना है, तो आपको ए बराबर है 5, बी बराबर कितना है, तो आप कहोगे 12, सी बराबर कितना होगा, तो कितने कहोगे, आप कहोगे 13, ठीक है, ये त्रिभुज ए बी सी के लिए है, अब त्रिभुज ए सी डी, त्रिभुज ए सी डी के लिए क्या होंगी, ए बराबर कितना मान लेता हूँ, ए बराबर कितना मान लेता हूँ 13, ठीक है, और बी बराबर कितना है, तो आपको बी बराबर भैया है 10, मैं कहूँ सी बराबर, तो आपको 13, ठीक है, जैसे मान ली, अब जिससे कि आपको दिक्कत नहीं हुई, ठीक है, दिक्कत नहीं हुई, तो सबसे पहले मैं निकाल दूँ परिमाप, किसका, त्रिभुज ए बी सी का अर्ध परिमाप, क्या बच्चा, त्रिभुज ए बी सी का अर्ध परिमाप निकालना, ठीक है, तो अर्ध परिमाप निकालने के लिए क्या लिखेंगे, ए प्लस के बी प्लस के सी बटे कितने होते हैं 2, तो ए का मान कितना है, तो आपको ए का मान कितना दिया है त्रिभुज में 5, बी का मान 12 और सी का मान 13/2, ठीक है, मैंने कहा सबको जोड़ो, तो आपने इन सबको जोड़ो, तो 12 + 17 17 और 13 कितने होते 30, 30/2 से काटा तो कितना आ गया 15, कितना आ गया 15, तो ये तुम्हारा एस का मान निकाल जाता, अर्थ परिमाप कितना निकाला 15, अब निकालोगे तुम क्या क्षेत्रफल, क्या निकालोगे, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, क्या त्रिभुज ए बी सी का अच्छा क्षेत्रफल, तो तुम ए बी सी का क्षेत्रफल लगा दो, अंडर रूट सूत्र क्या होगा, एस कोष्ट में एस माइनस के ए और एस माइनस के बी और एस माइनस के सी, क्या होगा एस माइनस के सी, ठीक है, जिस अपना सूत्र हो गया, ठीक है, अपन को मान रखने, अब क्या रख रहे मान, तो अब मान रखो बढ़िया फर्स्ट क्लास, तो तुम कहो तेरे को एस का मान कितना है 15, कितना अच्छा 15 माइनस कितना अच्छा 15 लिख दिए 15, अब क्या लिखेंगे इसको गुणा 15 माइनस ए का मान कितना है, आपने पहले निकाला कितना 5 गुणा 15 माइनस बी का मान कितना है, तो आपको ये 12 है, ठीक है, चाहे इधर से भी देख सकते हो, ठीक है बच्चा, गुणा फिर लिखेंगे 15 माइनस सी का मान कितना, आपको 13 है, ये तो मैं 13 लिख दूँ, ठीक है, अब इसको हल करूँ, तो इसको लिखेंगे 15 गुणा 15 में से 5 कितने बचेंगे 10, मैं 15 में से 12 जाएँ कितने बचेंगे 3, मैंने कहा 15 13 जाएँ कितने बचेंगे 2, तो मैंने कहा अब तुम इसे कैसा लिख सकते हो, तुम इसे लिख सकते हो 5 3 15 5 2 10 और 3 2, अब मैंने कहा जो भी निकल रहा उसे देखो 5 से 5 बाहर आ गया, तो को 3 से 3 बाहर आ गया, जोड़े में से 2 बाहर आ गया, तो गुणा करा तो कितना हो गया 3 2 6 6 5 6 30, तो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका क्षेत्रफल आ गया त्रिभुज ए बी सी का, किसका आ गया त्रिभुज ए बी सी का, अपन आप किसका निकालेंगे, अब ए सी डी का लिखेंगे, त्रिभुज ए सी डी का अर्ध परिमाप, का अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप निकालने के लिए आप क्या लिखोगे, ए प्लस के बी प्लस के सी बटे 2, तो आप सब जानते हो कि इसकी बजाय क्या है, ए का मान है 13, बी का मान है 10 और सी का मान है 13/2, कितना लिखोगे 13/2, सबको जोड़ो 13 2 26, 13 और 13 26 26 10 कितने होते 36 36/2, 2 से काटो कितना आ जाएगा 18, कितना आ गया 18, कितना आ गया 18, अपने आपका निकालना है इसका क्षेत्रफल, क्या निकालना है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल के लिए क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे अंडर रूट के कोष्ट में क्या होता है, एस कोष्ट में एस माइनस के ए और एस माइनस के बी और एस माइनस के सी, ठीक है, अब क्या करेंगे उसे मान रखेंगे, क्या रखेंगे बच्चा मान, तो एस का मान कितना आप सबको पता चले कितना 18 है, ठीक है, क्या है बच्चा 18, कितना है 18, अब अपन क्या लगना गुणा का चिन्ह लगना 18, ए का मान कितना, तो आप सबको ए का मान कितना भैया 13 है, गुणा समझ चलो बच्चा 18, बी का मान कितना कुछ बहुत सारा है, कुछ भी दिक्कत नहीं, 10, मैंने कहा सी का मान कितना, तो अपने 18 माइनस के 13, ठीक है, बहुत सारा है, कुछ भी कठिन नहीं, तो 18 लिखेंगे, 18 13 जाएँ कितने बचेंगे बच्चा 5 बचेंगे, 18 10 जाएँ कितने बचेंगे बच्चा 8 बचेंगे, मैंने कहा 18 से 13 जाएँ कितने बचेंगे 5 बचेंगे, कितने बचेंगे 5, तो कुछ नहीं, अब इसको अपन कैसे लिख सकते हैं 18 को लिखेंगे 2 2 3 6 और 6 3 18, इसको 5 ही लिखेंगे, इसको 18 कितने 8 कितने लिखेंगे 2 2 4 4 2 8, और इसको क्या लिख देंगे 5, ठीक है, अब अपन को देखना, देखो 2 और देखो 2 बाहर आ गए,
देखो तीन, तीन में से देखो तीन बाहर आ गया, देखो ये दोनों में से कितने बाहर आ गए बच्चा, दो बाहर, इस पांच में से कितने, पांच बाहर, पांच दूनी दस, दस दिया तीस, तीस दूनी तीन, दूनी छः, छः दूनी बारह, बारह पंच साठ, कितना हो गया साठ सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना हो गया बच्चा साठ सेंटीमीटर स्क्वायर, तो साठ सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, तीस सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, दोनों का निकले इसका भी और इसका भी, अब दोनों को जोड़ देंगे, क्या कर देंगे बच्चा दोनों को जोड़ देंगे, लिख दें चतुर्भुज का क्षेत्रफल, क्या लिखें बच्चा चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का, चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या लिखोगे आप तुम बराबर, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज 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 एसीडी का क्षेत्रफल, क्या लिखोगे इसको, अगर तुम्हें लिखना होगा तो लिखोगे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज एसीडी का क्षेत्रफल, ठीक है क्षेत्रफल लिखोगे दोनों की, अब त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना, तो आपको त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल है तीस, ठीक है इसका कितना है ए सी डी का, तो आपको नब्बे साठ, तो जोड़ने कितना हो जाएगा नब्बे सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल करना, सबसे पहले क्षेत्र को बनाना, तुमको भुजाएं लिखनी ए बी सी, अब तो पता है इसका मैं क्षेत्रफल कैसे निकालूं, तो तुमको दिमाग लगाना आधा आधा करके, तो आधा जैसे अपन ने किया तो पहले आधा, पहले मैंने सिर्फ इसका, तो जैसे मैंने आपको पहले सिखाया था तो इसका आधा क्षेत्रफल निकाल लिया, ठीक है अब बचा था जी, तो अपन ने इसका भी आधा क्षेत्रफल निकाल लिया, दोनों को इसका पता चल गया, इसका पता चल, दोनों को जोड़ दिया तो बोले क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है इसी तरीके से आपको क्या करनी है, इन सवालों को हल करनी है, ठीक है तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके आगे के सवाल लेकर आता हूँ, ठीक है आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है जिससे कि आने और बेल आइकन बटन को क्या कर ले प्रेस कर ले, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप इन सवालों को और अच्छे से प्रैक्टिस से आगे की ट्राई करके देखें, मैं तो वीडियो में बताऊंगा लेकिन पर अगर आप भी इसमें मेरे साथ प्रयास करेंगे तो आप बहुत अच्छे से सीख जाओगे बच्चा, ठीक है तो आप सबसे विदा लेता हूं, बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।